हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, देखिए जी, कॉमर्स में यूजीसी नेट जेड में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अब देखिए, आईटी एक्ट की अगर मैं बात करूं, अगर आईटी एक्ट की बात करूं तो भाई साहब, इसमें ना सेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है। अब नेट की एग्जाम की बात करूं तो इसके जो इलेक्ट्रॉनिक ऑफेंसेस हैं, जो सेक्शंस हैं, वो कई बार पूछे गए और हर बार पूछे जाते हैं। तो इट मींस अगर आप लीगल एस्पेक्ट्स की बात कर लें लॉ की, तो लॉ में से ये यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसमें क्या पूछे जाते हैं सर? इलेक्ट्रॉनिक ऑफेंस पूछे जाते हैं, कितने अमाउंट का पनिशमेंट है वो दिया जाता है, कितना जेल ये वाला दिया जाता है पूछा जाता है, प्लस आपके जो सेक्शंस है इलेक्ट्रॉनिक चीजों को लेकर, कि कब कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर कब आया, सेक्शंस कौन से सेक्शंस में वो मेंशन है, तो वो सारी चीजें इसमें पूछी जाती है। दो क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, दो क्वेश्चन मतलब हर बार दो क्वेश्चन इसका प्रायोरिटी रहता है। एक क्वेश्चन कंफर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक ऑफेंस से रहता है, जो लगभग लगभग 15-20 है, अगर आप उसको याद कर लेते हैं तो एक दो क्वेश्चन मतलब सॉरी एक क्वेश्चन तो उससे पक्का रहेगा। और एक क्वेश्चन और इससे पूछे जाते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्शंस है, सेक्शन 4, 5, 6 करके, सेक्शन 4 से सेक्शन 7A तक, वो 10A तक, वो सारी चीजें पूछी जाती है। और सेक्शन 43 से लेकर सेक्शन 67 तक जो है वो 70 तक, वो सारी चीजें पूछी जाती है। तो ये दो सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए इन सेक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे, उनके चार्ट्स के बेसिस पे भी इसको देखेंगे, और उस जितना मैं बोलूंगा बस उतना ही पढ़ के जाना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा पूछा नहीं जाता। आईटी एक्ट लगभग लगभग 88 सेक्शन 70-80 सेक्शन दिए गए हैं, अलग अलग तरीके से दिए गए हैं ना, तो उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ाने जा रहा हूं काफी है, मोर देन सफिशियंट है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए चलें शुरू करें। आइए सर चलते हैं कहाँ, क्लास में। क्लास में चलने से पहले सर ये बता दीजिए कि आप नोट्स वगैरह भी डाल रहे हैं? जी बिल्कुल डाल दे रहा हूँ, ये कर लीजिएगा ज्वाइन नेट वाला भैया टेलीग्राम चैनल, वहां आपको मिल जाएगा क्या सारी इंफॉर्मेशन और पीडीएफ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको नोटिफिकेशन यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए आप देखिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो पूछ भी सकते हैं। अगर मैं बात करूं आईटी एक्ट की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की, तो देखिए आईटी एक्ट आया तो 2000 में, लेकिन उसके बाद ना बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो अमेंडेड चीजें ही पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? अमेंडमेंट के साथ पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना रहे। तो अगर मैं बात करूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया कब, तो सर देखिए ये इसकी शुरुआत जो है वो मई 2000 में हुई थी, है ना। मई 2000 मतलब अगर मैं बात करूं 17 मई 2000 को, कितने 17 मई 2000 को, 17 मई 2000 को पार्लियामेंट में ये चीजें गई थी, ठीक है। और ये जो कंप्लीटली नोटिफाई हो गया था, मतलब इनेक्टमेंट में जो आया था, वो 9 जून को आया था, 9 जून 2008 को। और अगर मैं बात करूं कि पूरी तरीके से कमेंस हो जाना, शुरू हो जाना, तो वो 17 अक्टूबर 2000 में इसकी शुरुआत हो गई थी। तीन डेट मैंने बताया, पहला पास जो हुआ था 17 मई को हुआ था, 9 जून को डेट ऑफ इनेक्टमेंट है, शुरुआत उस दिन इनेक्टमेंट अधिनियमित हो गया था, और कमेंसमेंट हुई थी 17 अक्टूबर 2008 को, इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं, थोड़ी थोड़ी सी चीजें बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्यों और क्या पार्लियामेंट, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक ऑफेंसेस और इलेक्ट्रॉनिक अदर चीजों पर आएंगे, इसमें अपेलेट ट्रिब्यूनल की बात भी करेंगे, हम सारी चीजें करेंगे। आइए शुरू करें। जी सर चलिए देखिए, लॉ का चीजें मैं पढ़ूंगा समझाऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चले, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट नोटिफाइड ऑन 17 अक्टूबर 2000, 17 अक्टूबर 2000 को डायरेक्टली ये नोटिफाइड हो गया, इसकी बात कर रहा है, जो किस रिगार्डिंग डील करता है, कैरेक्टराइज द प्राइमरी लॉ इन इंडिया डीलिंग विद द साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इसकी बात करता है। देखो आईटी एक्ट जब आया था ना, बहुत सारे एक्ट में क्या किया गया, चेंजेस किए गए बहुत सारे एक्ट में, क्योंकि आईटी एक ऐसा एक्ट है जिसको बहुत सारा सुप्रीम माना गया है ना, बहुत सारे एक्ट में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, ठीक है, जैसे बैंक एविडेंस एक्ट हो गया, और भी बहुत सारे एक्ट है उसमें बदलाव किए गए, अभी आगे देखेंगे हम लोग, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में बहुत सारे एक्ट में बदलाव किए गए। चलिए, इसमें क्या है, एक 13 चैप्टर्स और 4 शेड्यूल्ड है, क्या कितने चैप्टर्स हैं सर, 13 चैप्टर्स और 4 शेड्यूल, पूछा गया जाता है क्वेश्चन कि कितना चैप्टर कितना शेड्यूल होता है। इट इज बेस्ड ऑन द यूनाइटेड नेशंस मॉडल लॉ, देखो
यूएन सिट्वेल मॉडल के बेस पर ये आया है। 1996 में यूएन सिट्वेल मॉडल बना था, रिकमेंडेड बाय जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस बाय अ रेजोल्यूशन डेटेड 30 जनवरी 1997। तो इसके द्वारा जो यूएन में जो लॉ है ना कॉमर्स इसके रिगार्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के रिगार्डिंग, उसके बेस पर ये रिकमेंडेड दिया गया था जनरल असेंबली से, और फिर उस बेस पर इंडिया में लॉ बना। अब चलिए ए ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ दैट, इस एक्ट का पर्पस क्या, ऑब्जेक्टिव क्या, ठीक है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि इस भाई साहब जितने भी ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन टू ऑल ट्रांजेक्शन डन बाय इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ डेटा, अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन ऑफ कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स इन प्लेस ऑफ अर्लियर पेपर बेस्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये सीधा सीधी बोले कि जितना ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होना था, ई कॉमर्स के थ्रू होना था, पेपर को हटाकर होना था, उन सारे ट्रांजेक्शन को लीगल रिकॉग्निशन मिल गया। एक तो ये ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, गिव किस चीज को लीगल रिकॉग्निशन देना, गिव लीगल रिकॉग्निशन टू डीएससी डिजिटल सिग्नेचर फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और मैटर रिक्वायर लीगल ऑथेंटिकेशन। तो दूसरी बात ऐसी थी कि इस एक्ट का आने का पर्पस क्या था कि भैया जो डीएससी है डिजिटल सिग्नेचर को रिकॉग्निशन देना, नाम देना, कि कोई भी इंसान एक बार क्या करे डीएससी बनवा ले और उसका यूज करते रहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। सॉरी थर्ड क्या है, थर्ड है फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक फाइल ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड ऑल्सो डिपार्टमेंट्स। हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है कि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसीज में सिर्फ फाइल बेस्ड पेपर बेस्ड काम ना हो, इलेक्ट्रॉनिकली भी सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाना लगे और गवर्नमेंट एजेंसी में इसकी बात चलने लगे। तो इसके लिए भी क्या था, आईटेक को लाया गया था। फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ डेटा, बोला भाई साहब ऐसा है कि जो भी डेटा हो, जो हम लोग पेपर में पहले लिखते थे ये करते थे, आप इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी आप लिख सकते हैं। इसके लिए भी वो क्या था, ये एक्ट आया था, ये भी ऑब्जेक्टिव था। गिव लीगल सेक्शन एंड ऑल्सो फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड बिटवीन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये भी बात एक सही था कि भैया जो भी पैसे हम ट्रांसफर करते थे ऑनलाइन लेके, मतलब ऑफलाइन लेके आते थे कैश में 50 लाख 10 लाख 20 लाख, अब वो नहीं, अब आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स भी कर सकते थे, उसको लीगल सैंक्शन करना था, है ना। इसके लिए भी ये एक्ट आया था। तो उसके बाद क्या, ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन टू द बैंकर अंडर एविडेंस एक्ट 1891। इसमें भी लीगल रिकॉग्निशन बैंकर्स को मिलना था एविडेंस एक्ट में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1934 में, फॉर कीपिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो ये क्या बोला, बोला भाई साहब कोई भी चीज लीगल रिकॉग्निशन देना, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इसके लिए भी इसको लाया गया था। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव थे, ये सारा पर्पस था कि आईटी एक्ट को लेके आने का। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो नहीं है सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्या दिक्कत परेशानी होगा, है ना। ये बात रहा, अब देखिए हम लोग सेक्शंस की शुरुआत करते हैं। देखो क्या होता है, सेक्शंस पढ़ने से आपके दिमाग में ये चीज, मैं हमेशा कहता हूं सेक्शन वन किसी भी एक्ट का डेफिनेशन देता है, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एप्लीकेशन, और सेक्शन टू में कुछ डेफिनेशंस होते हैं। सारे डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे अपन, हम लोग वही डेफिनेशन पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर बात, चलिए शुरू करें। जी सर, सेक्शन वन क्या कहता है, सेक्शन वन जो कहता है वो शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट और एप्लीकेशन कहता है, दिस एक्ट में कॉल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, और ये जो है अब पूरे इंडिया में अलाउड है। कहा, होल, इट शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। 2000 में जब बना था तो ये जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं था, लेकिन अब होल ऑफ इंडिया इसको किया जा रहा है। कह रहा है, इट शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एंड सेव अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, इट अप्लाइज आल्सो टू एनी ऑफेंस और कॉन्ट्रावेंशन देयर अंडर कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन। तो ये बात भी है कि ऐसा अगर कोई ऑफेंस हुआ है या कोई कॉन्ट्रावेंशन हुआ है आउटसाइड इंडिया भी, तो ये एक्ट उसको ध्यान में रखता है। ठीक है, क्लियर के बाद बात समझ में आई, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं है ना। चले नेक्स्ट चले सर, बिल्कुल चलिए, क्या दिक्कत होने वाला। सेक्शन टू की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना, ये जो डेफिनेशन है ना, इससे सवाल पूछे जाते हैं, याद रखना, इससे क्या, इससे सवाल पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट आप देखें क्या क्या चीज हो रहा है। सर बिल्कुल आइए, चलिए देखते हैं। सेक्शन टू डिफाइन करता है कुछ डेफिनेशन को, क्या क्या डेफिनेशन है भाई साहब। तो सेक्शन टू में डेफिनेशन दिए गए, सबसे पहले हम देखेंगे सर्टिफाइंग ऑथोरिटी को। किसको देखेंगे, सर्टिफाइंग ऑथोरिटी क्या होता है, आइए समझते हैं पहले। सर्टिफाइंग ऑथोरिटी कह रहा है मींस द पर्सन हु हैज ग्रांटेड लाइसेंस टू अ इशू
सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 24, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो सर्टिफाई करे उसको सर्टिफाइंग अथॉरिटी कहा गया। सीधा सी बात कि एक ऐसा पर्सन जो ग्रांट कर दे लाइसेंस की इशू करने का, क्या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का, सर्टिफिकेट का, अंडर सेक्शन 24 में। दूसरा सेक्शन 2I, जो आई लिखा हुआ है ना, सेक्शन 2I है, इसको ध्यान में रखिएगा। सेक्शन 2I क्या डिफाइन कर रहा है, कंप्यूटर को। अभी वो कंप्यूटर यहां के हिसाब से क्या सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान से रखिएगा। क्या कंप्यूटर मीन्स एनी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक ऑप्टिकल और अदर हाई स्पीड प्रोसेसिंग डिवाइस और सिस्टम विच परफॉर्म्स लॉजिकल अर्थमेटिक एंड मेमोरी फंक्शंस बाय मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक ऑप्टिकल इंपल्सेस एंड इंक्लूड्स ऑल इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज विच आर कनेक्टेड और रिलेटेड टू द कंप्यूटर इन अ कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। देखो ये डेफिनेशन दिया, बोला भाई साहब मिला जुला के मैं बात करूं, कोई भी ऐसा डिवाइस जो मैग्नेटिक हो, ऑप्टिकल हो और फिर स्पीड डाटा प्रोसेसिंग हो, उन सारे डिवाइसेस को बोला, चाहे वो लॉजिकल ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर आपका मेमोरी फंक्शंस को मैनिपुलेट करके वो किसी अदर मैग्नेटिक ऑप्टिकल इंपल्सेस में जाता हो, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। तो कंप्यूटर को मशीन, सिंपल सा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वही है कंप्यूटर। मतलब सीधा सीधे डेफिनेशन दिया हुआ है, मशीन, एक तरह का मशीन, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक डिवाइस जो आपको क्या करता है सर, ये क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बेस पर इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग करता है। चलो नेक्स्ट चलें, उसके बाद है NB, सेक्शन 2NB साइबर सिक्योरिटी को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है, साइबर सिक्योरिटी को। क्या कह रहा है, देखो कह रहा है साइबर सिक्योरिटी मींस प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन इक्विपमेंट डिवाइसेस कंप्यूटर कंप्यूटर रिसोर्स कम्युनिकेशन डिवाइस एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड देयर इन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस यूज डिस्क्लोज और डिसरप्शन मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन। तो भाई साहब ये सीधा सीधी बोल रहा है, साइबर सिक्योरिटी का मतलब हुआ कि आप प्रोटेक्ट करना आपके इंफॉर्मेशन को, आपके इक्विपमेंट को, आपके डिवाइसेस को, आपके कंप्यूटर को, आपके कम्युनिकेशन डिवाइस को, आपके इंफॉर्मेशन जो भी स्टोर्ड है किसी अलग जगह पर, उसको अनऑथराइज एक्सेस से बचाना, यूज डिस्क्लोज या डिसरप्शन से बचाना साइबर सिक्योरिटी कहलाता है, ठीक है। अब डेटा का डेफिनेशन दिया गया, देखो डेटा का डेफिनेशन इतना लंबा चौड़ा है, देख लो क्या क्या होता है, आ जाओ शुरू करें। कह रहा है डेटा मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, किसका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज फैक्ट्स कॉन्सेप्ट्स और इंस्ट्रक्शन व्हिच आर बीइंग प्रिपेयर्ड और हैव प्रिपेयर्ड इन अ फॉर्मलाइज्ड मैनर एंड इज इंटेंडेड टू बी प्रोसेस्ड इज बीइंग प्रोसेस्ड और हैज बीन प्रोसेस्ड। ध्यान से देना क्या बोला, या तो प्रोसेस कर लिया गया है, ठीक है, फॉर्मलाइज मैनर में, या प्रोसेस करने वाला है, या प्रोसेस किया जा रहा है ना, ये इसके बाद है सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क एंड मे बी इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग कंप्यूटर प्रिंटआउट मैग्नेटिक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया पंच कार्ड पंच टेप, है ना, ये सारे क्या है, डेटा है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है। देखो वही बात लिखा हुआ है, इसमें कोई खास है नहीं। अब डिजिटल सिग्नेचर की बात कर, अब छोटे छोटे डेफिनेशन है, फटाफट पढ़ेंगे निकलेंगे। सेक्शन 2P कह रहा है DSC मींस ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय अ सब्सक्राइबर, बोला किसी एक सब्सक्राइबर के द्वारा ऑथेंटिकेशन देना by means an electronic method or procedure in accordance with the provisions of section 3, ठीक है, ध्यान दो। digital signature certificate का मतलब digital signature issued by under subsection 4, section 35(4) में जो दिया गया है। electronic form मतलब with reference to information means any information generated sent and received, देखो यार ये सब definition है तो उसको देखना पड़ेगा, ठीक है, और कोई बात नहीं है। चलिए उसके बाद electronic gadget बोला, official gadget में जो publish हुआ है वो section 2S। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मीन्स डेटा रिकॉर्ड और डेटा जनरेटेड इमेज साउंड स्टोर रिसीव सेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बोला, ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय अ सब्सक्राइबर मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल इंक्लूड DSC, ठीक है। चलो वो कहानी खत्म, अब आ जाओ मेन टॉपिक पर, ये आपका था, उसको एक बार देख लेना, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो अब आते हैं एक्सपेंशन सेक्शन 3 से सेक्शन 10A तक। सेक्शन 3 कहता है ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इतना ही याद करना है आपको, कि सेक्शन 3 ऑफ द IT एक्ट
बात करता है ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की, जिसमें क्या कह रहा है कि कोई भी सब्सक्राइबर जो है ऑथेंटिकेट कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, कैसे, अपना डिजिटल सिग्नेचर देकर। ठीक है, तो सेक्शन थर्ड ऑथेंटिकेशन मिल गया किसको, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को। ठीक, सेक्शन थ्री ए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात कर रहा है, सेक्शन थ्री ए किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात कर रहा है। देखो क्या कह रहा है, अ सब्सक्राइबर में ऑथेंटिकेट एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक विच ए इज कंसीडर्ड रिलायबल, जो रिलायबल हो, विच में बी स्पेसिफाइड इन द सेकेंड शेड्यूल, ये दोनों मेंशन हो तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वैलिड होगा। थ्री और थ्री, ये समझ में आ गया, याद क्या रखना है, थ्री ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, थ्री ए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, दैट्स इट। उसके बाद सेक्शन फोर, सेक्शन फोर कह रहा है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, मतलब कि भाई साहब अब इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डॉक्यूमेंट को अब क्या कर सकते हैं, रिटेन और प्रिंट आउट के अलावा अब उसको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकते हैं। तो यहां से लीगल सेक्शन फोर ऑफ द आईटी एक्ट 2000 मेंशन करता है कि भैया आपको लीगल रिकॉग्निशन भी मिल गया है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखने का, है ना, यानी डॉक्यूमेंट हैड टू केप्ट इन रिटेन और प्रिंटेड फॉर्म बट नाउ यू कैन कीप ऑल रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, मतलब भाई साहब पहले पोथा पोथी जो रखते थे ना, बड़े बड़े लिखते थे उसमें रखते थे, इसको पलट पलट के देखते थे, अब एक टाइप करके अब अपना कंप्यूटर में से इलेक्ट्रॉनिक डेटा सेव कर सकते हो, सेक्शन फोर आपको इसकी इजाजत देता है। चलिए सेक्शन फाइव चले, आइए सर, सेक्शन फाइव क्या कहता है, सेक्शन फाइव कहता है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, मतलब डिजिटल सिग्नेचर वैलिड क्या है, हर जगह वैलिड है, तो लीगल रिकॉग्निशन मिल गया मतलब डीएससी भी वैलिड है, डिजिटल सिग्नेचर भी वैलिड है, तो आपको यही याद रखना है, सेक्शन फाइव लीगल रिकॉग्निशन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स की बात करता है। सेक्शन सिक्स बात करता है यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स इन गवर्नमेंट एंड एजेंसी। देखो सेक्शन, देखो लीगल रिकॉग्निशन मिल गया सेक्शन थ्री ए में, है ना, सेक्शन फोर में लीगल रिकॉग्निशन मिल गया, अब सेक्शन सिक्स कह रहा है कि जो रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स का जो मिला था अब हमको उसको यूज करना है कहां, गवर्नमेंट और उसके एजेंसीज में, है ना, गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज हैं उसमें हमको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को यूज करना है, वो कहां मेंशन है, सेक्शन सिक्स ऑफ द आईटी एक्ट इसकी आपको इजाजत देता है। सेक्शन सी सिक्स ए क्या कह रहा है भाई, ध्यान दें, सेक्शन सिक्स ए कह रहा है कि अगर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय सर्विस प्रोवाइडर, मतलब कि आप ई फॉर्म में भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं बट जो सर्विसेज देंगे वो गवर्नमेंट लिस्ट में होना चाहिए। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट कैन इश्यू एनी सर्विसेज इन ई फॉर्म बट सर्विसेज शुड बी इन गवर्नमेंट लिस्ट, सर्विस क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट लिस्ट में होना चाहिए, सेक्शन सी ए आपको इसकी इजाजत देता है। सेक्शन सेवन क्या कह रहा है आइए देखते हैं, रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सेक्शन सेवन में ये मेंशन है कि कोई भी डॉक्यूमेंट को आप ई फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं, सॉरी रिटेन रख सकते हैं, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जनरेट करिए गूगल फॉर्म और उसको में डेटा रखिए, आपको उसको भी वैलिड माना जाएगा, क्लियर है, सेक्शन सेवन ये मेंशन करता है। सेक्शन सेवन ए कह रहा है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी ऑडिट कराते थे, जितना डॉक्यूमेंट्स रखते थे वो सारा ऑडिट का डॉक्यूमेंट्स आप मेंटेन रख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो ये बात आपका, आप सेक्शन सेवन एफ ए सेक्शन सेवन ए ऑफ दी आईटी एक्ट ये आपको इजाजत देता है। चलिए सेक्शन एट की बात कर लें, आइए सर सेक्शन एट की बात करते हैं, सेक्शन एट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पब्लिकेशन ऑफ रूल रेगुलेशन इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इसका मतलब हुआ कि गवर्नमेंट कुछ भी इश्यू कर सकती है रूल्स रेगुलेशन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में। अब पहले क्या होता था, पहले पेपर में लिख के आता था, प्रिंट होके आता था, साइन होते थे, अब क्या है इलेक्ट्रॉनिकली ही सारा चीज क्या हो जाता है, इश्यू हो जाता है, रूल्स रेगुलेशन बन जाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है, आईटी एक्ट आने के बाद ये बेनिफिट मिल गया, तो सेक्शन एट ऑफ द आईटी एक्ट आपको इसकी इजाजत देता है। सेक्शन नाइन क्या कह रहा है, सेक्शन नाइन कह रहा है कि सेक्शन सिक्स सेवन एट Not to confer right to insist document should be accepted in electronic form. 6, 7 और 8 में जितनी बातें कही गई है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को लेकर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑफलाइन डॉक्यूमेंट नहीं रख सकते, ये कहीं नहीं कहा गया है
कि इलेक्ट्रॉनिक आने से ऑफलाइन खत्म हो जाएगा। आप ऑफलाइन भी, आप फिजिकली भी डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मतलब आईटी एक्ट आने से क्या हुआ कि भैया आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की चीजें होने लगी इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब अगर बात करें तो सारा चीज आप पीडीएफ के फॉर्म में आप इलेक्ट्रॉनिकली अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, वी कांट फोर्स कीप डॉक्यूमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं कह सकते, फोर्स नहीं कर सकता कोई फॉर्म एनीवन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, एनीवन कैन मेंटेन फिजिकली, कोई भी फिजिकल मेंटेन कर सकता है। जिसको फिजिकल मेंटेन करना है फिजिकली करे, इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर सकता है। क्लियर बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। सेक्शन 9786 का क्या है एक्सेप्शन है। चलिए सेक्शन 10 देखते हैं, कह रहा है कोई भी रूल्स बनाने का सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से रिलेटेड कोई भी रूल्स रेगुलेशन वो बना सके। तो सेक्शन 10 पावर टू मेक रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। सेक्शन 10 ए क्या कहता है, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। मतलब ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनिकली भी अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जो वैलिड रिटन फॉर्म में था, वो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या है इलेक्ट्रॉनिकली वैलिड है। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब इलेक्ट्रॉनिकली है ना, वैलिड है। क्या रहा गया, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट आर वैलिड इन रिटन फॉर्म आर ऑल्सो वैलिड इन इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, तो जो रिटन फॉर्म में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो इलेक्ट्रॉनिकली भी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ तो बताइएगा। क्या ही परेशानी होगा सर, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट चले आइए, पेनल्टीज है ना, पेनल्टीज और कंपनसेशन एंड एडजुडिकेशन। ठीक है, कोई दिक्कत, देखो सेक्शन 43 जो है ना, सेक्शन 43 पेनल्टी और कंपनसेशन की बात करता है कि जब कोई कंप्यूटर सिस्टम को क्या कर दे, हार्म कर दे, जब आपके कोई कंप्यूटर सिस्टम को हार्म कर दे तो उसकी पेनल्टीज की बात करता है, और उसके लिए बहुत लंबा है। देखो सेक्शन 43 से बहुत सवाल पूछे जाते हैं भाई साहब, तो इसको एक एक लाइन ध्यान से पढ़ेंगे, याद रखने का तरीका कैसा होगा वो भी बता देंगे, आपको दिमाग में छप जाना चाहिए, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, लेकिन अभी पढ़ेंगे एक एक लाइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। सेक्शन 43 डिफाइंस पेनल्टी एंड कंपनसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सिस्टम। तो कोई भी कंप्यूटर सिस्टम को या कंप्यूटर को डैमेज किया तो उसके लिए पेनल्टी और कंपनसेशन की बात कौन करता है, सेक्शन 43। देखो क्या कह रहा है, इफ एनी पर्सन विदाउट परमिशन ऑफ द ओनर और एनी अदर पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, कोई भी एक इंसान जो कंप्यूटर का ओनर है और उसके परमिशन के बिना, या कोई पर्सन जो इंचार्ज है कंप्यूटर का उसकी परमिशन के बिना अगर आपने किसी के सिस्टम को छुआ या क्या किया, देखो इफ एनी पर्सन देन, अगर क्या करता है वो पर्सन या उसका इंचार्ज के कंप्यूटर को कोई क्या करता है, किसी भी तरह का ऐसे एक्सेस लेता है, सिक्योर एक्सेस लेता है टू सच कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क को, तो डाउनलोड कर लेता है, कॉपी या एक्सट्रैक्ट कर लेता है कोई डेटा या कंप्यूटर डेटाबेस या इंफॉर्मेशन फ्रॉम सच कंप्यूटर, कुछ निकाल लेता है कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क को इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन डेटा हेल्ड और स्टोर्ड इन रिमूवेबल स्टोरेज मीडियम, ये काम कर लेता है। ये 43 है, 43B 43C कहता है कि अगर इंट्रोड्यूस करता है कॉज टू बी इंट्रोड्यूस्ड एनी कंप्यूटर कंटेनमेंट कंप्यूटर वायरस इन टू एनी कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, ये काम कर लेता है, या डैमेज करता है कॉज टू बी डैमेज, अगर उसका कारण बनता है उसके कंप्यूटर का डैमेज करने का, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क को कोई तरह से हार्म पहुंचाता है, डेटा कंप्यूटर डेटाबेस एनी अदर प्रोग्राम्स रिसाइडिंग इन सच कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क को कोई दिक्कत करता है, सेक्शन ई कहता है डिसरप्ट कर देता है या कॉज डिसरप्शन हो जाता है कंप्यूटर को, कौन, वो पर्सन जो किसी के इंचार्ज होने के बावजूद भी कंप्यूटर को छू रहा है, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क को, या डिनाई या कॉज ऑफ डिनाइल ऑफ एक्सेस टू एनी पर्सन ऑथराइज्ड टू एक्सेस एनी कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क को किसी भी तरीके से,
प्रोवाइड करता है एनी असिस्टेंट टू एनी पर्सन टू फैसिलिटेट एक्सेस, अगर किसी को, देखो ध्यान सुनना, सिर्फ खुद ही नहीं, अगर तुम किसी भी पर्सन को, जो सामने वाला बैठा हुआ कंप्यूटर पे, उसको आइडिया नहीं है कि तुम उसका कंप्यूटर में एक्सेस ले रहे हो तो भी, और किसी पर्सन को तुम हायर कर रहे हो कि भैया एक्सेस हमको दिलवा दो उसका कंप्यूटर में, तो भी आपको फाइन लगेगा। देखो आगे क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट charges the services availed by a person to a computer of another person by tampering with or manipulating any computer। अगर कोई सर्विस का चार्ज ऐसा करते हो जो किसी के कंप्यूटर को टेम्पर करने के लिए है या मैनिपुलेट करने के लिए कोई डेटा किसी कंप्यूटर का, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क का, तो भी डिस्ट्रॉय कर देते हो, डिलीट कर देते हो या अल्टर कर देते हो कोई भी इंफॉर्मेशन बिना किसी से पूछे कंप्यूटर का, residing in a computer resource diminishes the value or utility or effects injuriously by any means, तो भी स्टील कर लेते हो, मैंने चुरा लेते हो, कंसील कर लेते हो, बर्बाद कर देते हो, अल्टर कर देते हो, causes हो जाता है any person to steal, conceal, destroy any alter computer source को, तो computer का his shall be liable to pay damages by way of compensation the person so affected। मतलब सीधा सीधी बात समझ लो, एक लाइन में हम उसको डिफाइन कर देते हैं, ध्यान सुनो, कोई भी पर्सन, ठीक है, जिसका कंप्यूटर हो, जो कंप्यूटर का इंचार्ज हो या कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क पे काम कर रहा हो, और उसकी अनुमति के बिना कोई भी ऐसा काम जो उसके कंप्यूटर पे हार्म डाल रहा हो और हार्म कर दिया हो, चाहे आप खुद किए हो, चाहे किसी के द्वारा करवाए हो, चाहे किसी ने सर्विस लेकर वो काम किया हो, चाहे पैसा देके काम किया हो, सारे केस में डेटा डिलीट हुआ हो, डिस्ट्रॉय हुआ हो, अल्टर हुआ हो, है ना, आपने उसकी डेटा को डिस्टर्ब कर दिया, वायरस डाल दिया बिना उसकी अनुमति के, आपको डैमेजेस पे करना पड़ेगा। जो भी वो इंसान इफेक्टेड होगा, मान लो 20,000 का चीज इफेक्ट हुआ तो 20,000 देना पड़ेगा, 50,000 का इफेक्ट हुआ 50,000 देना पड़ेगा, जो भी वो इफेक्ट हुआ उसको देना पड़ेगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ, हाँ या ना बताओ, सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है। सेक्शन 43A क्या डिफाइन करता है, ध्यान से बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए दूसरा कह रहा है कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा, कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा के मतलब कि जो भी डेटा को आपने क्या किया, प्रोटेक्ट करने के लिए फेलियर हो गए, तो आपको भी क्या, आपको भी फाइन भरना पड़ेगा, देना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ सर इसका, मान लो आप जाते हो साइबर कैफे में, साइबर कैफे वाला आप वहां से कुछ पर्सनल डेटा आप कुछ क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो, और वहां से उसका डेटा चोरी हो जाता है, मतलब आपका डेटा चोरी हो जाता है, तो वो साइबर कैफे वाला उस चीज का क्या करेगा, आपको पे करेगा, कंपनसेशन देगा, ठीक है, वही कह रहा है, ध्यान से देखो। वेयर अ बॉडी कॉर्पोरेट पोजेसिंग डीलिंग और हैंडलिंग एनी सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर रिसोर्स विच इट ऑन्स कंट्रोल और ऑपरेट इज नेग्लिजेंट इन इंप्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग रीजन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स देयर बाय कॉजेस रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन टू एनी पर्सन such body corporate shall be liable to pay damages by way of compensation to the person affected। तो सीधा सीधी वही बोल रहा है, साइबर कैफे वाला अगर आपका डाटा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो वो लाइबल है कि वो आपके चीजों को क्या करेगा, उसके लिए डैमेजेस पे करेगा। क्लियर बात, जी सर। चलिए अब है अपेलेट ट्रिब्यूनल, देखो इसका दो वीडियो बनेगा, एक वीडियो अभी, एक वीडियो इलेक्ट्रॉनिक ऑफेंसेस पर सिर्फ बनेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। अपेलेट ट्रिब्यूनल में क्या हुआ सर, एक में तीन सेक्शन है, 48, 49, 50। तो अपेलेट ट्रिब्यूनल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की बात सेक्शन 48 कहता है कि हमको अपेलेट ट्रिब्यूनल को एस्टेब्लिश कर देना चाहिए। तो क्या कह रहा है देखो, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपेलेट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 14 द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997 शेल ऑन फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ पार्ट 14 चैप्टर 6 of the Finance Act 217 and be the appellate tribunal of the purpose of this act and said appellate tribunal shall exercise the jurisdiction, power and authority conferred on the under this act।
ये क्या कह रहा पता है कि जो ट्राई है ये टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट जो उसके अपने ट्रिब्यूनल है, फिर जो आपके ये क्या नाम है इसका फाइनेंस एक्ट में जो प्रोविजंस है सर उसको चेंजेस करने की बात कर रहा है कि उसके भी ट्रिब्यूनल को क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे। द सेंट्रल क्या बोल रहा है, हाँ तो इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। उसका क्या बोल रहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन द मैटर एंड प्लेस रिलेशन टू व्हिच अपेलेट ट्रिब्यूनल मेक्स एज जुरिसडिक्शन। तो ये तो बेसिक चीज है, इसमें कुछ खास है नहीं। अपेलेट ट्रिब्यूनल के एस्टेब्लिशमेंट की बात करिए, ये बस आप इतने याद रखिएगा। सेक्शन 49 डिफाइंस ये कॉम्पोजिशन क्या होगा, मतलब अगर अपेलेट ट्रिब्यूनल में होंगे तो कितने आदमी होंगे, है ना, कौन कौन लोग होंगे, उसकी बात करता है कौन, सेक्शन 49। आइए उसकी शुरुआत करते हैं, देखते हैं। कह रहा है द साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट अ चेयरपर्सन एंड सच कंपोजिशन नंबर ऑफ अदर मेंबर्स एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन इन द साइबर ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट एपेलेट ट्रिब्यूनल। देखो क्या बोला कि इस साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल में एक चेयरपर्सन होंगे, ठीक है, और उसके साथ अदर मेंबर्स भी होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन क्या करे ऑफिशियल गैजेट में देके अपॉइंट कर सकता है ट्रिब्यूनल में। क्लियर है, तो चेयरपर्सन और मेंबर होगा। अब ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। कह रहा है प्रोवाइडेड दैट द पर्सन अपॉइंटेड एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ दिस साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 शैल बी डीम्ड टू हैव अपॉइंटेड एज ए चेयरपर्सन ऑफ साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट अमेंडमेंट बाय द इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट 2008। तो ये इसने कहा कि अगर अमेंडमेंट एक्ट 2008 से पहले कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर था कैट का, ठीक है, अब उसको चेयरपर्सन डाला गया है तो वो अमेंडमेंट के हिसाब से देखना पड़ जाएगा। क्या बोल रहा है ये भी ध्यान में रखना, वही कह रहा है बशर्ते जो पर्सन अपॉइंट किया गया प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पर साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल में इस एक्ट के तहत कब, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ आईटी एक्ट 2008 अमेंडमेंट एक्ट के पहले वो क्या होगा, शैल बी डीम्ड टू हैव अपॉइंटेड एज ए चेयरपर्सन, उसको अपॉइंट किया जा सकता है सेड साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट अमेंडेड बाय द अमेंड ये 2008। तो जो एक्ट अमेंड किया गया 2008 में उसमें भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अमेंड क्या किया जा सकता है, सेलेक्ट किया जा सकता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए कह रहा है सिलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द साइबर अपेलेट ट्रिब्यूनल शैल बी मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चेयरपर्सन और मेंबर्स का सिलेक्शन कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी, किसके साथ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन लेने के बाद करेगी। तो सेक्शन 49 बात करता है साइबर अपेलेट ट्रिब्यूनल में चेयरपर्सन और मेंबर्स का क्या कौन कौन लोग होंगे उसकी बात करता है। अब सेक्शन 50 जो डिफाइंड है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए किसकी, चेयरपर्सन की और मेंबर्स ऑफ साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल की। तो आइए देख लें इसको, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, आइए शुरू करते हैं। कह रहा है सेक्शन 50 डिफाइंस क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज ए चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो ध्यान से देखिएगा इसको, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है पर्सन शैल बी नॉट क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए चेयरपर्सन ऑफ द साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल अनलेस ही और ही इज और हैज बीन और क्वालिफाइड टू बी ए जज ऑफ हाई कोर्ट। मतलब सीधा सीधी कह रहा है कि जज होना चाहिए किसके लिए, आपका चेयरपर्सन के लिए, वो किसी भी हाई कोर्ट का जज होना चाहिए तभी उसको चेयरपर्सन के तौर पर ले सकते हैं, सीधा कह रहा है। कह रहा है पर्सन शैल नॉट क्वालिफाइड, वो क्वालिफाइड नहीं होगा जब तक वो किसी हाई कोर्ट का जज नहीं होगा, इट मींस जज होना चाहिए, है ना जी। दूसरा कह रहा है द मेंबर्स ऑफ साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट द जुडिशियल मेंबर टू बी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 3 शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द अमंगस्ट पर्सन। उस पर्सन में से सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर लेगी इसको मेंबर को, द मेंबर ऑफ साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट द जुडिशियल मेंबर टू बी अपॉइंटेड जुडिशियल पर्सन अपॉइंट हुआ है सबसेक्शन 3 में उसको छोड़कर शैल अपॉइंटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द अमंगस्ट पर्सन Having special knowledge, किसमें किसमें knowledge होना चाहिए वो भी देख लो, special knowledge of and professional experience in information technology, IT में, telecommunication में, industry में और management और consumer affairs में होना चाहिए। अब क्या बोल रहा है ध्यान से देखना,
कह रहा है प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन शैल नॉट अपॉइंटेड एज ए मेंबर, नहीं हो सकता एक मेंबर में कब, अनलेस ही और हैज बीन इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान से समझिएगा, उसने क्या बोला कि भैया मेंबर तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर लेगी आराम से, खाली सब सेक्शन 3 में जो मेंबर है उसको नहीं होना चाहिए। बोला बसरते अपॉइंट करने का क्या इसका ये नियम है कि मेंबर तभी हो सकता है जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में या एंड कोई पोस्ट रखा हो एडिशनल सेक्रेटरी का टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या और अदर इक्विवेलेंट पोस्ट हो सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में फॉर पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 1 ईयर फॉर द 1 ईयर और ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी इक्विवेलेंट पोस्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 7 ईयर। अगर एडिशनल सेक्रेटरी है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में क्या शर्त रखा गया, देखो मेंबर कौन बन सकता है ये भी ध्यान रखना। चेयरपर्सन के लिए क्या था कि हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, लेकिन अगर मेंबर्स की बात करें तो क्या बोला मेंबर्स के लिए, बोला भाई साहब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी रहा है 1 साल तक या उसके इक्विवेलेंट कोई पोस्ट में रहा है 1 साल तक तब तो उसको अपॉइंट कर लो, है ना, ठीक है। दूसरा कह रहा है अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहा है कब, कितना एक्सपीरियंस 7 साल तक, तब उसको हम अपॉइंट करेंगे अदरवाइज नहीं हो सकता। क्लियर है, तो मेंबर के लिए हो गया और उसके लिए हो गया। देखें क्या क्या चीजें मैं लिख दूं, चलो मैं थोड़ा लिख देता हूं, देखो ध्यान से। फर्स्ट चेयरपर्सन के लिए क्या होगा सर, जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। सेकेंड क्या है मेंबर्स, ठीक है, मेंबर्स के लिए क्या, पहला एडिशनल सेक्रेटरी, ठीक है, और इक्विवेलेंट पोस्ट, इक्विवेलेंट पोस्ट होना चाहिए, है ना, एडिशनल सेक्रेटरी या इक्विवेलेंट पोस्ट होना चाहिए भाई साहब, और क्या कितने साल, 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। और इसी का दूसरा कंडीशन क्या है, ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हो सकता है, ठीक है, या इक्विवेलेंट पोस्ट, इक्विवेलेंट पोस्ट, और इसमें क्या होना चाहिए 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितना साल का एक्सपीरियंस 7 ईयर का एक्सपीरियंस। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, चलिए आइए अब चलते हैं यहां। अब थर्ड में देखो क्या कह रहा है, द जुडिशियल मेंबर ऑफ फेडरल अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमंगस्ट पर्सन हु इज और हैज बीन अ मेंबर ऑफ इंडियन लीगल सर्विस। जो जुडिशियल मेंबर होंगे साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के, उनको अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी उन पर्सन में से, उन लोगों में से जो मेंबर रहा हो इंडियन लीगल सर्विस का और has held the post of additional secretary for a period not less than 1 year or grade 1 post of that service period not less than 5 year। ये भी देखो तीसरा condition, तीन लोग, तीसरा दो लोग बता दिए कौन कौन, member chairperson और तीसरा judicial member। तो judicial member के लिए क्या है कि भैया अगर additional secretary रहा तो कम से कम 1 साल का होना चाहिए experience additional secretary के लिए, ठीक है 1 साल का, अगर ग्रेड 1 का पोस्ट को रखा है तो मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये तीन कंडीशन है तीन लोगों के लिए। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो मुझे बता दो, नहीं सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक चलो चले अब। हाँ सर अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है सेक्शन 51 जो डिफाइन करता है कि टर्म्स ऑफ ऑफिस कितना होगा, कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होगा और चेयरपर्सन और मेंबर्स क्या होंगे। चले आज देख लें, द चेयरपर्सन ऑफ द मेंबर ऑफ द साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस और अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 years विच एवर इज अर्लियर। तो भैया चाहे वो मेंबर हो चाहे वो चेयरपर्सन हो, कैट का जो होगा या तो वो 5 साल के लिए अपॉइंट होगा या फिर 65 years, दोनों में से जो पहले कंप्लीट हो जाए वो कर ले। मान लो 60 साल में ज्वाइन किया
तो 5 साल वो 65 साल तक रह सकता है, लेकिन अगर वो 63 साल में ज्वाइन किया तो भैया वो 2 ही साल तक रह सकता है, क्योंकि 65 साल होने के बाद उसका वैलिडिटी खत्म हो जाता है। क्लियर है बात। दूसरा, बिफोर अपॉइंटिंग एनी पर्सन एज ए चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ द साइबर अपेलेट ट्रिब्यूनल, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल सर्टिफाई इटसेल्फ दैट द पर्सन डज नॉट हैव एनी सच फाइनेंशियल एंड अदर इंटरेस्ट एज इज लाइकली टू अफेक्ट द प्री जुडिशियली हिज फंक्शंस एंड सच चेयरपर्सन और मेंबर। तो बोल रहा है अगर आप अपॉइंट किए जाते हैं किसी पर्सन को, एनी पर्सन को चेयरपर्सन या मेंबर के तौर पर कैट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये सेटिस्फाई करेगा कि खुद में कि पर्सन को कोई भी फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट नहीं है प्री जुडिशियली फंक्शन से रिलेटेड। कह रहा है ऑफिशियल द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑन सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन और मेंबर द साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल एज द केस में बी शैल हैव टू रिटायर फ्रॉम द सर्विस बिफोर द ज्वाइनिंग एज ए चेयरपर्सन और मेंबर। तो भैया ये कह रहा है कि अगर कोई ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का है तो भैया उसको अपनी सर्विस से रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, तभी वो चेयरपर्सन या मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सकता है, बिना रिटायरमेंट के नहीं कर सकता है। तो ये था आईटी एक्ट का आधा पार्ट। अब जो पार्ट आने वाला है उसको हम करेंगे अगले वीडियो में, इलेक्ट्रॉनिक ऑफेंसेस। भाई साहब 2 नंबर पक्का है इसमें, क्या है 2 नंबर पक्का, ऊपर वाले से 2 नंबर पक्का और 2 नंबर से, मतलब 2 क्वेश्चंस इसी एक्ट से आएंगे, ये कंफर्म, लिख लो लिख लो लिख लो, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक ऑफेंस को हम करेंगे अगले क्लास में। देखो चार्ट भी मैंने बना के रखा है बहुत सॉलिड, ये देख लो है ना चार्ट, और इस चार्ट के थ्रू हम पढ़ेंगे, बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।